साथियों, टेक्निकल गुरु इंजेक्शन मोल्डिंग में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत आप लोगों को आज बताने वाला हूँ LNC6 तो सीवा मशीन के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम पूरा आप लोगों को एक पूरा ट्यूटोरियल LNC6 के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं दोस्तों मशीन डिटेल के बारे में, जो पेज नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको दोस्तों। इसका यूज दोस्तों तब आता है जब हमको मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट्स या हमको स्क्रू का डायमीटर, मतलब जो चीज देखने का रहता है कि हमको यदि मान लीजिए कि रिंग प्लंजर टूट गया, ठीक है, स्क्रू डायमीटर में जैसे मान लो कि स्क्रू का डायमीटर है कितना है, कैसे पता चलेगा, तो हमको मशीन नंबर मशीन डिटेल में जाके हमको पता चल जाता है दोस्तों मॉडल कौन सा है। ठीक है, तो इसी क्रम में चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा मैं फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है मॉडल, मॉडल कौन सा है दोस्तों, तो डीटेक LNC6 है। ठीक है, मशीन नंबर देखिए दोस्तों, तो 150 टन का है। ठीक है, 1079 इसका कोड है। ठीक है, मशीन नंबर है ये दोस्तों। ये मशीन देखिए दोस्तों, 150 टन 510 × 900। ठीक है, स्क्रू का डायमीटर दोस्तों 60 mm है। अपने को पता चलता है दोस्तों जब मशीन डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा स्क्रू का डायमीटर है दोस्तों 60 mm। ठीक है, हाइड्रो मोटर जो है दोस्तों 3 स्टेज में है। ठीक है, तो हाइड्रो मोटर पे भी आगे हम बनाने वाले हैं जब मैकेनिकल पोर्शन का कवर करेंगे। ड्राइव जो है दोस्तों इसका 30 kW का है। ठीक है, सीपीयू फायरवर्म जो है अपना 35.37 का है। ठीक है, सीपीयू एप्लीकेशन जो है दोस्तों 3.14 है और कॉमन ड्राइव जो है 4 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा है केमल 2.6.1, कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, HMI एप्लीकेशन नंबर इतना, मतलब एप्लीकेशन नंबर क्या है ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें नया क्या संशोधन हुआ है दोस्तों तो देख लेते हैं। अमेंडमेंट एरर इसमें जो दोस्तों LNC6 के PLC में एडवांस क्या है, तो अमेंडमेंट एरर जो दिखाता है हमारा एक लास्ट में 286 की ऐसा कुछ तो पेज है, तो उसमें हम संशोधन रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमने क्या चेंज किया है, कौन सा पैरामीटर और कभी चेंज किया है, तो वो हमको पता चल जाता है कि जैसे एनालॉग चेंज हुआ। ठीक है, चेंज लॉग हुआ, चेंज लॉग में हम पुराना वैल्यू कौन सा था, अभी हम क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा एक हिस्ट्री के रूप में दिखाता है, तो इसको अमेंडमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि पहले के जो PLC में था वो नहीं था, अभी है दोस्तों। ठीक है, तो ये नया एक एडिशन हुआ है। पेट का एप्लीकेशन जो बता रहा है कि इसमें पेट का एप्लीकेशन पहले नहीं था, अभी दिया हुआ है। ठीक है, हवरली प्रोडक्शन एनालिसिस, पहले के जो मशीन थे दोस्तों उसमें हवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट खाली मिलता था, एनालिसिस रिपोर्ट नहीं मिलता था, तो हम एनालिसिस रिपोर्ट भी इस एडवांस PLC सिस्टम से हम हावरली प्रोडक्शन रिपोर्ट का एनालिसिस भी निकाल सकते हैं कि उसमें डाउन टाइम क्या है, कितना प्रोडक्शन निकला है, कितना रिजेक्शन निकला है। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में वो भी आएगा दोस्तों, हम वो भी बात कर लेंगे। एक्स्ट्रा इजेक्शन स्ट्रोक, यदि हमको दोस्तों इजेक्शन के लिए, पार्ट इजेक्शन के लिए यदि एक्स्ट्रा स्ट्रोक देना पड़ेगा तो वो भी हम दे सकते हैं, ये PLC का एडवांटेज है। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलार्म रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों अलार्म रिपोर्ट के, जो हमारा अलार्म डिस्प्ले के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।